ये इलेक्ट्रो प्लस मशीन है, इसे ऑन इलेक्ट्रो प्लस मशीन है, इसे ऑन करने के लिए पीछे में सबसे पहले 12 वोल्ट डीसी डालेंगे और उसके बगल में ऑन ऑफ स्विच है, इसको ऑन करेंगे तो मशीन ऑन हो जाएगी। ऑन होने के बाद थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक सिस्टम मशीन स्टेबलाइज हो। उसके बाद रीडिंग लेने के लिए, टेस्ट करने के लिए काउ मिल्क, बुफेलो मिल्क और मिक्स मिल्क, ये तीन ऑप्शंस आएंगे। हम अगर मिल्क सैंपल लगाएंगे, उसके बाद मिल्क सैंपल लगाने के बाद टेस्ट करने के लिए स्टार्ट मेनू बटन पे प्रेस करेंगे। सबसे पहले मिल्क का टेम्परेचर आएगा यहाँ पे, जो अभी मैंने सैंपल लगाया उसका 31.3 डिग्री सेल्सियस है। ये आपका रीडिंग आ गया। सबसे पहले फैट दिखाएगा जो कि 4.4 है इस केस में, उसके बाद SNF 8.5 है, फिर डेंसिटी 27.9 है, फ्रीजिंग पॉइंट, फिर इस साइड में आपको प्रोटीन दिखाएगा 3.1, उसके बाद लैक्टोज 4.6, उसके बाद सॉल्ट 0.6 और वाटर 0.0। फिर अगर कोई दूसरा सैंपल टेस्ट करना पड़ेगा, उसको बैक जाना पड़ेगा और बैक जाने के बाद फिर आप सैंपल लगाएंगे। सैंपल लगाने के बाद फिर वैसे ही स्टार्ट मेनू बटन को प्रेस करेंगे, फिर ये टेस्ट करना शुरू करेगा मशीन। टेम्परेचर शो करेगा, ये आपका रीडिंग आ गया। फैट 4.4, SNF 8.4, डेंसिटी, फ्रीजिंग पॉइंट, प्रोटीन, लैक्टोज, सॉल्ट एंड वाटर। ऐसे ही आप कितने भी सैंपल का टेस्ट कर सकते हैं।